बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि बेबी केयर सेंटर में आग लगने का पूरा मामला, और ऐसे में दो आरोपियों की कड़कड़ कोर्ट में होगी पेशी। बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन की होगी पेशी, इंचार्ज डॉक्टर आकाश को भी पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं। 7 नवजात बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई, वो तस्वीरें कल भयावह सबने देखी, वो तस्वीरें भयंकर, जिस तरीके से एक के बाद एक 8 जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे बेबी केयर सेंटर में वो फटते हैं, और उसके बाद 7 नवजात बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं जिनकी जान चली जाती है। इस पूरे मामले में लगातार क्योंकि एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, दोनों आरोपियों की कड़कड़ कोर्ट पे पेशी होनी है। बेबी केयर सेंटर के मालिक हैं डॉक्टर नवीन की पेशी होगी, इसके अलावा इंचार्ज हैं डॉक्टर आकाश, उनको भी पुलिस कोर्ट पे पेश करेगी। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, और आप देखिए लाइसेंस, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रिन्यूअल लाइसेंस का नहीं हुआ था, जो फायर सेफ्टी को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए थे वो पूरे नहीं थे, और कई सवाल इस पूरे बेबी केयर सेंटर को लेकर पहले भी उठे हैं। इसी बेबी केयर सेंटर का एक वीडियो कुछ साल पहले वायरल हुआ था, जो एक नर्स एक नवजात को पीट रही थी, उस वक्त भी बवाल खूब ज़्यादा इस बेबी केयर सेंटर को लेकर हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि 5 बच्चे ही इस बेबी केयर सेंटर में रखे जा सकते थे, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा 12 बच्चों को इस सेंटर में रखा गया, जो उनके अभिभावक थे रो रो कर बच्चों का बुरा हाल है। आप जो परिजन हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, और वो ये भी कह रहे थे कि उनसे इजाज़त नहीं दी जाती थी कि जाकर वो अपने बच्चे के साथ रात को रह सकें, सबको रात को घर भेज दिया जाता था, इसके अलावा दिन में एक बार परमिशन दी जाती थी मिलने की, जो कदम उठाए जाने थे वो यहाँ पर नहीं उठाए गए, और अब इंचार्ज डॉक्टर आकाश को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा बेबी केयर सेंटर के जो मालिक हैं डॉक्टर नवीन की भी कोर्ट में पेशी होनी है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार लगातार ये क्लियर कर चुकी है कि जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। सौरभ भारद्वाज की तरफ से स्टेटमेंट इस पूरे मामले में सामने आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पोस्ट किया गया था एक्स पर, उन्होंने कहा जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़े से कड़े कदम इस पूरे मामले में उठाए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और किस तरीके से इस पूरी घटना को हृदय विदारक बताया। छोटे छोटे मासूम सोचे जिनके वो नवजात रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सुमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, ये कल जब पूरा मामला सामने आया तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नम हो गई, लेकिन साथ ही साथ एक बात जो क्लियर कही गई कि जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस पूरे मामले में क्या अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा है कि मालिक डॉक्टर नवीन की कोर्ट में पेशी होगी, और इसके अलावा डॉक्टर आकाश जो कि इंचार्ज थे उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल घटना हुई थी प्रीति, वो काफी एक तरह से लूपहोल्स एक तरह से अस्पताल पर उठकर आया था, और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में 2 आरोपी को गिरफ्तार की थी, जो कि अस्पताल का जो मालिक है नवीन, डॉक्टर नवीन के अलावा एक अन्य डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था कल ही। आज एक दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को पेश करेगी, जहां दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग दिल्ली पुलिस कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से फेलियर रहा है, जिस तरह से भीषण अग्निकांड में नवजात बच्चों की जान गई है, इस सिलसिले में आगे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी। हो सकता है कि एक हफ्ते की रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस मांगे, और कोर्ट कितने दिनों की जो रिमांड है वो इस पूरे मामले में देता है यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लिया है और 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हो सकती है। इस सिलसिले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो रिमांड की इसलिए मांग की जाएगी क्योंकि इस मामले में अन्य आरोपियों की भी जो तलाश है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग जो है वो आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से दिल्ली पुलिस करेगी। प्रीति, ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।